अब हम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, विश्व भर में भारत की ख्यातनामी बढ़े, भारत में विदेश के लोग आए पूंजी निवेश करें, भारत के लोगों को हक मिले, इसके लिए काम कर रहे हैं। अपराधियों के आधार पर राजनीति, अपराधियों की सरकारों में बोलबाला, ये अगर हम खत्म नहीं करेंगे तो कर्नाटक के नौजवानों का भविष्य उज्जवल नहीं है। तो दूसरी तरफ कर्नाटक में कांग्रेस क्या कर रही है, कांग्रेस के शासन में क्या हो रहा है। एक तरफ हिंदुस्तान ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए योजनाएं बना रहा है और दुनिया में पहली बार हुआ 45 आंक, 42 आंक, 42 आंक हम आगे निकल गए, हमारी ऊंचाई बढ़ गई, हमारे नाम बढ़ गया देश। लेकिन कर्नाटक की बात आती है तो यहां उनको ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में इंटरेस्ट नहीं। ये दुख की बात है कि राजनीतिक हिंसाओं के प्रति सरकार उदासीन है और ये मैं खुला आरोप लगाना चाहता हूं। कांग्रेस ने अपने शासनकाल में देश को ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कर रहा है, इन्होंने ईज ऑफ डूइंग मर्डर कर दिया। ये ईज ऑफ डूइंग मर्डर, ये ईज ऑफ डूइंग मर्डर का कल्चर इन्होंने पैदा किया है और इसलिए मैं आपसे आग्रह करता हूं, यहां से अपराध की राजनीति, अपराधियों के आधार पर राजनीति, अपराधियों की सरकारों में बोलबाला, ये अगर हम खत्म नहीं करेंगे तो कर्नाटक के नौजवानों का भविष्य उज्जवल नहीं है। और इसलिए कर्नाटक के उज्जवल भविष्य के लिए ये जो नई बीमारी कांग्रेस लेके आई है, उस बीमारी से मुक्ति पाना बहुत जरूरी है।